इस वीडियो में हम किस प्रैक्टिस बुक यूनिट नंबर फोर सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से अकार ऑफ वन थाउजेंड किलोग्राम ट्रेवलिंग एट ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड राउंड ऑफ रेडियस हंड्रेड मीटर फाइंड द नेसेसरी नेरीपिटल फोर्स एक कार जिसका मैस 1000 किलोग्राम है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और रेडियस है 100 मीटर हमने फाइंड करनी है सेंटिपिटल फोर्स की वैल्यू सेंटीपीटल फोर्स का फार्मूला एम वी स्क्र बाई आर मैथ हमारे पास 1000 थाउजेंड है विलोसटी या स्पीड की वैल्यू 20 इसका स्क्यर लेंगे और रेडियस हमारे पास जो है दैट इज 100 ये कैंसल आउट 20 स्क्यर 400 हंड्रेड इंटू टेन फोर न्यूटन हमारा आंसर होगा तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर अल्फा है फोर टेंट इज टू पॉइंट थ्री किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्र सेकेंड क्वेश्चन द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इज हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है जियो स्टेशन सेटेलाइट की रेवोल्यूशन का देखिए हमारे पास जो जियो स्टेशन सेटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ और उनके रिवॉल्व करने का जो टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली exactly हमारे पास उतना ही है जितना अर्थ के स्पिन का है मीन्स टाइम पीरियड ऑर्बिटल ऑफ सेटेलाइट इज़ इक्वल टू स्पिन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ और अर्थ अपने एक्सेस के अराउंड जो स्पिन करती है वो कितने टाइम में करती है ट्वेंटी फोर आवर्स में अगर मिनट्स में चाहिए तो ट्वेंटी फोर को मल्टीप्लाई कर दें सिक्सटी से तो हमारे पास ये आता है वन डबल फोर जीरो मिनट और अगर सेकेंड चाहिए इसको सिक्सटी से मल्टीप्लाई करें तो एट सिक्स फोर डबल जीरो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो यहां पर है वो कौन सी है एल्फा वन डबल फोर जीरो मिनट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर में कहता है पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड उमेगा इट्स एक्सेलेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल अब क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना है और फिर उसका आंसर देखना है क्या होगा क्वेश्चन में कहता है पार्टिकल एक सर्कल एक में रोटेट कर रहा है जिसका रेडियस आर और कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड से अगर तो हमें कहता है कि एंगुलर एक्सेलेशन क्या है हम कहते हैं जीरो लेकिन उसने ये नहीं पूछा उसने पूछा वो एक्सेलेशन जो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल तो सर्कल के सेंटर की तरफ जो एक्सलेशन होती है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन होती है उसका फार्मूला वी स्केयर ओवर आर या फिर ओमेगा स्केयर आर होता है क्योंकि तो बॉडी जब सर्कल में रोटेट करे तो हर पॉइंट के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन टूवर्ड सेंटर होती है तो मोशन यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन एग्जिस्ट करती है तो करेक्ट आंसर क्या होगा ओमेगा स्केयर आर चार्ली फोर्थ क्वेश्चन When a particle पार्टिकल in इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन इट्स velocity and एंड द velocity is इज जब जबकि पार्टिकल सर्कल में रोटेट करता है तो एंगल लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के इन बिटवीन क्या होता है हमने लेक्चर में बात की थी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलासिटी के इन बिटवीन एंगल हमेशा 90 होता है लेट्स से अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो इस प्लेन में एंगुलर विलोसटी की जो डायरेक्शन होगी वो आउट ऑफ द प्लेन मीन्स परपेंडिकुलर अपवर्ड होगी और अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो अलोंग टेंजेंट होगी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट है एंगुलर वेलोसिटी अलोंग एक्सिस है और एक्सिस और टेंजेंट इन दोनों के दरमियान हमेशा एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी बीटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर आर फॉर डेली रोटेशन ऑफ़ अर्थ इज़ फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है एंगुलर स्पीड यूनिट होना चाहिए रेडियन पर आर और किसके लिए फॉर डेली रोटेशन ऑफ अर्थ अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो अर्थ की डेली रोटेशन है अराउंड इट्स ऑन एक्सेस वो कितने टाइम में होती है वो ट्वेंटी फोर आवर्स वन डे में कम्प्लीट होती है तो अगर हमें रिक्वायर्ड है एंगुलर स्पीड तो ओमेगा इक्वल होगा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी फॉर वन रोटेशन ओमेगा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी तो थीटा की जगह टू पाए और टाइम कितना है ट्वेंटी फोर आवर्स तो टू ट्वेल्व कैंसिल होगा या जाएगा पाए बाय ट्वेल्व और यूनिट क्या होगा इसका रेडियन पर आर तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स द लीनियर स्पीड एंड द एंगुलर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अबाउट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर आर रिलेटेड एज हमसे एक सर्कल के अंदर लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बिटवीन रिलेशन का पूछा हुआ है कि क्या होगा लीनियर और एंगुलर वेलॉसटी के इन बिटवीन रिलेशन हमारा क्या होता है वी टी ये लीनियर वेलासिटी या लॉन्ग टेंजेंट इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर नॉट आर क्रॉस ओमेगा क्योंकि उमेगा और आर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो राइट हैंड रूल के मुताबिक हमारी डायरेक्शन वेलोसिटी के लॉन्ग आनी चाहिए और अगर हम इसको आर क्रॉस उमेगा लिखेंगे तो हमारी डायरेक्शन 180 डिग्री रिवर्स हो जाएगी तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या होगी एल्फा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन द एंगुलर एनालॉग ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एनालॉग क्या होता है एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं थीटा से क्वेश्चन नंबर आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन फैन इज टर्न ऑन द रोटेट्स एट रेवोल्यूशन पर मिनट इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलेशन इज कह दस सेकेंड के बाद एक फैन की स्पीड हमारे पास कितनी हो जाती है थ्री हंड्रेड रेवोलूशन पर मिनट उसकी एवरेज एंगुलर एक्सेलेशन क्या होगी मीन्स हमने एल्फ़ा को कैलकुलेट करना है एल्फ़ा इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो चेंज का मतलब क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल क्या है थ्री हंड्रेड लेकिन रेवोल्यूशन पर मिनट है तो टू पाए से मल्टीप्लाई सिक्सटी से डिवाइड और स्टार्ट किया उसको तो स्टार्ट में उमेगा ही कितना होगा ज़ीरो कितने टाइम में टेन तो सिक्सटी इंटू फाइव थ्री हंड्रेड फाइव इंटू टू टेन ये कैंसिल होगा तो रिजल्ट आएगा पाए यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और पाए क्या होता है 3.14 तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर बीटा नाइंथ क्वेश्चन केस ऑफ प्लैनेट्स द नेसेसरी एक्सेलेशन इज प्रोवाइडेड बाय प्लैनेट्स की जो मोशन है वो ऑर्बिटल है वो रोटेट कर रहे हैं अराउंड द सन और वहां पर जो एक्सेलेशन यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन कहां से आती है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड तो अल्फा आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन इफ आ कार मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ टू मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस पॉइंट फोर मीटर द एंगुलर स्पीड इज अब सिंपल क्वेश्चन है एक कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से टू मीटर पर सेकेंड एक सर्कल में जिसका रेडियस पॉइंट फोर मीटर है हमें कैलकुलेट करना है एंगुलर स्पीड की वैल्यू को एंगुलर स्पीड ओमेगा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी तो है लेकिन डेल्टा के अकॉर्डिंग हम फार्मूला यूज करेंगे यहां वी और आर गिवन है तो उमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर वी इज इक्वल टू आर उमेगा से तो वी की वैल्यू टू आर कितना है पॉइंट फोर अब पॉइंट फोर को हम क्या लिखेंगे फोर ओवर टेन तो टेन इंटू टू ट्वेंटी डिवाइड बाय फोर आंसर क्या होगा फाइव और यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है बीटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच इन रेडियन पर सेकेंड इज हमें एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है किसकी सेकेंड हैंड ऑफ वॉच की और यूनिट होना चाहिए रेडियन पर सेकेंड अब सेकेंड हैंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि सेकेंड हैंड की जो एक रोटेशन होती है यानी जिसका एंगल होगा अगर वो टू पाए रेडियन हो तो वो कितने टाइम में रोटेशन कंप्लीट होती है वो 60 सेकेंड में कंप्लीट होती है तो सेकेंड हैंड का ओमेगा फाइंड करना है फार्मूला डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी तो डेल्टा थीटा वन रोटेशन के लिए टू पाई रेडियन हो जाएगा और वन रोटेशन कंप्लीट कितने टाइम में हो रही है सिक्सटी सेकेंड में तो टू और ये थर्टी तो आंसर क्या आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड में पाई बाय थर्टी रेडियन पर सेकेंड तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व The shaft of a motor rotates at constant angular speed of 360 revolution per minute. Angle turned through in one second in radian is. एक मोटर की शाफ्ट है जो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड 360 रेवोल्यूशन पर मिनट से रोटेट कर रही है। क्या फाइंड करना है एंगल कितने टाइम में वन सेकंड और यूनिट होना चाहिए रेडियन। जैसे S इक्वल तू V T होता है। इसी तरह से इसको एंगुलर फॉर्म में जब लिखा जाता है तो थीटा इक्वल टू उमेगा टी लिखा जाता है तो उमेगा यहां पर कितना है 360, लेकिन रेवोल्यूशन पर मिनट तो टू पाई से मल्टीप्लाई सिक्सटी से डिवाइड और कितना टाइम गिवन है तो तो unit, हमारे पास डेल्टा फोर्टींथ क्वेश्चन मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज क्वेश्चन नंबर इलेवन में हमने एंगुलर स्पीड फाइंड करनी थी सेकेंड हैंड की और अब हमें एंगुलर विलोसिटी या एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है मिनट हैंड की सेम मेथड है अब चेंज जो होगा वो टाइम चेंज होगा जो सेकेंड हैंड है उसकी रोटेशन कंप्लीट होती है सिक्सटी सेकेंड में और मिनट हैंड उसकी अगर हम वन रोटेशन यानी टू पाई रेडियन वो कवर होता है सिक्सटी मिनट्स में तो सेम मेथड एंगुलर स्पीड मिनट हैंड की ऊपर एंगल नीचे टाइम अगर वन रोटेशन ली तो टू पाए रेडियन और कितने टाइम में सिक्सटी मिनट्स में यहाँ तो आपके पास आ गया पाई बाय थर्टी लेकिन आंसर ये नहीं है क्योंकि तो ये रेडियन पर मिनट है तो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिक्सटी से जब मल्टीप्लाई करेंगे यह आएगा पाए ओवर एटीन हंड्रेड रेडियन पर सेकंड अब ऑप्शन में उन्होंने थर्टी सिक्स हंड्रेड लिखा हुआ है इसका मतलब जो टू से कैंसिल किया था वो नहीं करेंगे तो आप इन द एंड टू से इसको मल्टीप्लाई कर दें टू से डिवाइड तो एटीन हंड्रेड इंटू टू थर्टी सिक्स हंड्रेड तो ये इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन इज पाई ओवर बीटा क्वेश्चन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर विलॉसिटी इज अलोंग ऊपर हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि एंगुलर विलॉसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन अगर हमारे पास एक बॉडी किसी प्लेन में रिवॉल्व कर रही है लेट से ये प्लेन एक्स वाई प्लेन है तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगी तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होता है तो ओमेगा इज ऑलवेज अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन ये भी करेक्ट होगा और इवन हम ये भी कह सकते हैं इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन तो करेक्ट ऑप्शन इज शार्टली फिफ्टीन क्वेश्चन द फोर्स विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटिपिटल फोर्स टू कीप द मर्ड इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड बारिश में हमारे पास मर्द जो होता है वो साइकिल बाइक या कार के टायर के साथ लग जाता है अब क्वेश्चन में वो यही पूछता है कि वो कौन सी फोर्स है जो प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंटिपिटल फोर्स कि जो मर्ड है वो सर्कुलर पाथ में घूमता रहे टायर के साथ अब अल्फा का ऑप्शन है कोहिसिव फोर्स कोहिस्व हमेशा सेम चीजों के दरमियान होती है बीटा कहता है फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स तो यहां पर ये यह काम नहीं करती चार्ली कहता है अडिसिव फोर्स ये हमारा आंसर होगा क्योंकि अडिसिव फोर्स ही डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है तो टायर और मर्ड के दरमियान एडिसिव फोर्स है जिस वजह से टायर जब रोटेट करेगा तो मर्ड उसके साथ अटैच रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अ डिस्क ऑफ रेडियस आर ट्वेंटी सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सेस विद एंगी ट्वेंटी रेडियन पर सेकेंड ऑन अर्जोंटल स्मूथ सरफेस द लीनियर स्पीड ऑफ पॉइंट सी ऑन अ डिस्क इज़ पॉइंट सी की हमने लीनियर स्पीड फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में और हमें इसके अलावा जो डाटा गिवन है वो रेडियस गिवन है डिस्क का ट्वेंटी सेंटीमीटर उमेगा गिवन है ट्वेंटी रेडियन पर सेकेंड और स्पेसिफिकली पॉइंट सी की बात हो रही है लीनियर स्पीड मीन्स v इज़ इक्वल टू आर उमेगा यह रिलेशन यूज़ होगा अब जो r है ये बेसिकली डिस्टेंस होगा उस पॉइंट c का सेंटर से तो ये हम डिस्टेंस अगर देखें तो ये कितना है r बाई टू है उमेगा की बात करें तो रिजिड बॉडी में हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू सेम होती है तो जो 20 रेडियन पर सेकेंड है यही एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट ए की होगी यही पॉइंट सी की होगी तो वैल्यूज पुट करें रेडियस हमारे पास ट्वेंटी सेंटीमीटर डिवाइड बाई टू और उमेगा की जो वैल्यू है वो ट्वेंटी है तो के पास कैंसिल हुआ टेन आ गया यह आपके पास वैल्यू आ गई ट्वेंटी इंटू टेन टू हंड्रेड लेकिन ये सेंटीमीटर है तो डिवाइड कैसे करेंगे हंड्रेड से तो आंसर क्या होगा टू मीटर पर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन इज बीटा सेवनटीन क्वेश्चन टू पार्टिकल ऑफ़ इक्वल मैसेज आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू रिस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड द रेशो ऑफ देंटिपटल फोर्स इज दो पार्टिकल्स हैं जिनके मैस हमारे पास इक्वल है. हैं टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मैसेज रिवॉल्व करें सर्कुलर पाथ में रेडियस आर वन और आर टू है और उनकी स्पीड भी सेम है रेशो फाइंड करनी है सेंटिपिटल फोर्स की अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें आइडिया हो गया कि कौन सा रिलेशन यूज़ होगा यहाँ पर मैस है स्पीड है और रेडियस है तो फार्मूला यूज हो रहा होगा एम वी स्क्र ओवर आर मैथ भी सेम है स्पीड भी सेम है तो रिलेशन किससे बनेगा रेडियस से और इनवर्स बनेगा तो एफ वन ओवर एफ टू इज इक्वल टू आर टू ओवर आर वन तो करेक्ट ऑप्शन क्या है एल्फा एटीन क्वेश्चन अ सेटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ जो हमारे पास सेटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो इसके बारे में ये पूछा हुआ है कि क्या ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है पहली बात तो ये याद रखें कि हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहा जाता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहाँ पर हमारे पास एक्सीशन जीरो होती है इसको नॉन एक्सीटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है और जो नॉन नेचरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसे एक्सेलेटि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है क्योंकि वहां पर एक्सेलेशन नॉन जीरो होती है अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी सेटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है उसको हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं चाहे उसका डिस्टेंस आर है टू आर है चाहे वो क्लोज ऑर्बिटिंग सेटेलाइट है चाहे वो जियो स्टेशन सेटेलाइट है अगर हर सेटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में तो एक्सेशन जीरो नहीं होता फ्रीली फॉलिंग बॉडी में एक्सेलेशन एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है इसका मतलब इन पे लगने वाली जो सेंटिबिटल एक्सेलेशन होती है ये एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया कि जो प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको नेसेसरी एक्सीेशन कहाँ से मिलती है ग्रेविटेशनल फोर्स है तो यहाँ भी वही चीज़ है कि हम ये नहीं कह सकते कि एक्सेलेशन जीरो है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है अगर फोर्स है तो एक्सेलेशन भी है तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास इनर्शियल या नॉन इनर्शियल ऑब्वियसली हमारे पास एक्सेलेशन की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लाएगा तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर चार्ली आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एवरेज विलॉसिटी इज डिफाइंड बाय द रिलेशन वेलोसिटी का रिलेशन पूछा हुआ है सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा थी डेल्टा टी लेकिन एवरेज है तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल एंगल की बात होगी टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इफ़ आर रोटेटिंग बॉडी इज मूविंग काउंटर क्लॉक वाइज मीन्स एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर विलॉसटी विल बी पहले भी हम कर चुके हैं कि हमारे पास अगर किसी प्लेन में बॉडी रोटेट कर रही हो तो एंगुलर विलासिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है अगर काउंटर क्लॉक वाइज तो ऑफवर्ड और अगर क्लॉक वाइज तो फिर डाउनवर्ड लेकिन रहेगी कहाँ अलॉन्ग द एक्सेज ऑफ रोटेशन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल विथ कॉन्स्टेंट स्पीड हमने इस यूनिट के क्विज में भी ये क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही है और उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है तो यहां से हमें क्या पता चला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन किस स्टेटमेंट से अगर कॉन्स्टेंट स्पीड है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसका मतलब है कि स्पीड की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रही डायरेक्शन तो चेंज होगी तभी तो मोशन सर्कुलर होगी तो डायरेक्शन हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में भी चेंज हो रही होती है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी चेंज हो रही होती है अब यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पर सेंटिपिटल एक्सेलेशन नॉन ज़ीरो होगी और इसके अलावा सेंटिपिटल एक्सेशन के बारे में याद रखिएगा कि इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो कॉन्सटेंट होगी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टेंजेंशियल स्पीड की तो टेंजेंशियल स्पीड की अगर हम बात करें तो वो उसकी वैल्यू भी क्या है कांस्टेंट या टेंजेंशियल वेलोसिटी उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलेशन की वैल्यू ज़ीरो होगी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड कॉन्सटेंट है तो ओवरऑल जो कानीटिक एनर्जी की वैल्यू वो कॉन्सटेंट रहेगी मोमेंटम वैक्टर है डायरेक्शन तो चेंज हो रही होगी लेकिन मोमेंटम की मैग्नीट्यूड भी वो कांस्टेंट रहेगी अब ऑप्शंस को देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन वो कहता है कांस्टेंट वेलोसिटी। इनकोरेक्ट है क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है डायरेक्शन चेंज हो रही है बीटा कहता है कांस्टेंट एक्सेलेशन ये भी इनकोरेक्ट है मैग्नीच्यूड कॉन्स्टेंट है डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर जो पोजिशन वैक्टर आर होगा वो चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली सेंटीमीटल एक्सेलेशन भी चेंज होगी क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर हर पॉइंट के ऊपर जो सेंटिपिटल एक्सलेशन है वो टवर्ड सेंटर है ऑपोजिट टू पोजिशन वैक्टर है लेकिन डायरेक्शन एक नहीं है अगर बॉडी पॉइंट ए पर है तो ये अलॉन्ग नेगेटिव एक्स है और अगर ये बॉडी पॉइंट बी पर चली जाती है तो ये अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स है तो हम ये नहीं कह सकते कि सेंटिबिटल एक्सलेशन का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमेशा सेम होगा वो हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रहा होगा चार्ली कहता, कहता है विलॉसटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और डेल्टा कहता है एक्सेलेशन ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड अब यहाँ दो हमारे पास स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट हैं क्योंकि तो विलास्टी की मैग्नीट्यूड जो टेंजेंशियल है वो भी कॉन्स्टेंट और इसके अलावा एक्सलेशन जो सेंटिबिटल है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर हमारे पास चार्ली और डेल्टा दो ऑप्शनस करेक्ट होंगी एक ऑप्शन करेक्ट नहीं होगी विलास्टी की मैग्नीट्यूड भी कॉन्स्टेंट है एक्सलेशन की जो मैग्नीट्यूड होगी सेंटिबिटल वो भी क्या है कॉन्सटेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पर चलते हैं अ बॉडी ऑफ मैस एम इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कॉन्स्टेंट स्पीड द वर्क डन बाय द देंटिपिटल फोर्स इन मूविंग द बॉडी ओवर हाफ ऑफ द सर्कम फेयरेंस ऑफ द सर्कल एक बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है वर्क डन फाइंड करना है बाय सेंटिपिटल फोर्स और बॉडी मूव कर रही है हाफ द सर्कम फेयरेंस देखिये हम जानते हैं कि जो सेंटिपिटल फोर्स है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है जैसे मैग्नेटिक फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है इसी तरह सेंटिपिटल फोर्स भी डिफ्लेक्टिंग फोर्स और डिफ्लेक्टिंग फोर्स से मुराद होता है ऐसी फोर्स जो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है और जब डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रही होगी तो ओवरऑल जो वर्क डन होगा इसकी वजह से हमेशा ज़ीरो होगा चाहे हमारे पास सर्कम फेरेंस हाफ हो वन बाय एट हो वन बाय फोर हो थ्री बाय फोर हो इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर सर्कल में सेंटिपिटल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी क्योंकि वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट तो डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग टेंजेंट एंगल कितना होगा हर पॉइंट पे 90 और हमारे पास वर्क के फार्मूला में कॉस आता है तो कॉस 90 जीरो तो वर्क डन भी क्या होगा ड्यू टू तो सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा क्वेश्चन नंबर 23 अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ट्वेंटी सेंटीमीटर एट टू रेवोल्यूशन पर सेकेंड द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्केयर इज एक पार्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहा है जिसका रेडियस 25 सेंटीमीटर है और उमेगा की वैल्यू गिवन है टू रेवोल्यूशन पर सेकेंड हमें कैलकुलेट करनी है एक्सेलेशन अब कौन सी एक्सेलेशन है ये सेंटीमीटर फार्मूला उमेगा की फॉर्म में होता है ओमेगा स्क्यर आर अब डेटा को कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा आंसर जो है वो ऐसा यूनिट में है अब ओमेगा टू रेवोल्यूशन पर सेकेंड है वन इक्वल होता है टू पाए और रेडियस हमारे पास जो है वो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ये ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाय हंड्रेड हो जाएगा टू इंटू टू फोर और फोर स्केर सिक्सटीन और ट्वेंटी फाइव इंटू फोर हंड्रेड तो सिक्सटीन डिवाइड बाय फोर आंसर होगा फोर पाए स्केयर मीटर पर सेकेंड स्क्र तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव क्या है सॉरी ट्वेंटी फोर अ स्मॉल सफियर इज अटैच्ड टू अ कॉर्ड एंड रोटेट्स इन अ वर्टिकल सर्कल अबाउट पॉइंट ओ इफ द एवरेज स्पीड ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज द कॉर्ड इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक एट द ओरिएंटेशन व्हेन द मैस इज एट द हमारे पास एक स्मॉल स्फीयर है जिसको एक कॉर्ड एक स्ट्रिंग के साथ अटैच करके एक वर्टिकल सर्कल में रोटेट करवाया जा रहा है तो ये वर्टिकल सर्कल का केस है क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि किस पॉइंट के ऊपर कॉर्ड के ब्रेक होने के चांसेस हैं देखिए रस्सी वहीं टूटती है जहां पर टेंशन ज़्यादा होती है तो अगर किसी पॉइंट के ऊपर टेंशन मैक्सिमम होगी तो याद रखिएगा वहां पर उस स्ट्रिंग के ब्रेक होने के जो चांसेस होंगे वो भी क्या होंगे ज़्यादा होंगे अब वर्टिकल सर्कल में हम जानते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट टॉप और ये पॉइंट बॉटम इनका कंपैरिजन अगर देखें तो टॉप के ऊपर जो टेंशन होती है वो मिनिमम होती है जिसको ऑलमोस्ट हम जीरो लेते हैं और बॉटम पॉइंट के ऊपर टेंशन मैक्सिमम होती है जो सेंटिबिटल फोर्स और वेट के सम के इक्वल होती है तो कहां पर ब्रेक होने के चांसेस होंगे सबसे ज्यादा पॉइंट बी पर बॉटम पर तो आंसर इसका क्या है एल्फा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्या है अ आर बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ हॉर्जोनटल सर्कल विच द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट अब केस है हॉर्जोंटल सर्कल का और कहता है कि हॉर्जोनटल सर्कल के केस में अगर बॉडी कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो कौन सा फैक्टर इनमें से है जो कॉन्स्टेंट रहेगा जिस ऊपर हमने क्वेश्चन किया था उसी चीज़ को माइंड में लेकर आए और उसका आंसर दें पहली ऑप्शन है विलॉस्टी विलॉस्टी तो कॉन्स्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है अलॉन्ग टेंजेंट हर पॉइंट पे बीटा एक्सेलेशन एक्सिलेशन की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है सेंटिप्यूटल फोर्स अगर एक्सलेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सेंटिप्यूटल फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो जिसकी डायरेक्शन नहीं होगी वही कॉन्स्टेंट होगा और मैंने ऊपर बताया था वो क्या है काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स द लेंथ ऑफ अ सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच इज़ वन सेंटीमीटर द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड इज घड़ी के सेकेंड हैंड जो है उसकी लेंथ है वन सेंटीमीटर या आर की वैल्यू हो गई वेलोसिटी फाइंड करनी है हमने कहां पर टेप पर और किस यूनिट में फाइंड करनी है सेंटीमीटर पर सेकेंड में वी इज इक्वल टू आर उमेगा ऊपर हमने सेकेंड हैंड के उमेगा को कैलकुलेट किया था उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं r वन सेंटीमीटर होगा क्योंकि जो हमारे पास सेकेंड हैंड की नीडल की ओवरऑल लेंथ है वो बेसिकली आर उस सर्कल के रेडियस के इक्वल है ओमेगा कितना होता है सेकेंड हैंड का टू पाए 60 और यूनिट इसका होता है रेडियन पर सेकेंड सॉल्व हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा आंसर जो आएगा वो यही आएगा जो सामने आपके है क्योंकि हमने कोई और यूनिट कन्वर्ट नहीं करना तो ट्वेंटी सिक्स का जो आंसर है वो क्या है टू पाए बाय सिक्सटी आर सेंटीमीटर में था इसलिए आंसर भी किस में होगा सेंटीमीटर पर सेकंड में और इसी फॉर्म में ऑप्शन गिवन है और वो कौन सी है चार्ली या फिर ये पाई बाय थर्टी सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी इज एंगुलर और लीनियर फ्रीक्वेंसी में रेशो क्या होगी एंगुलर उमेगा इक्वल है टू एफ के तो यहां से अगर एफ को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दिया जाए तो उमेगा ओवर एफ इज इक्वल टू टू पाई तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर क्या है अल्फा ट्वेंटी एट क्वेश्चन इफ द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल आर इज थ्री आई प्लस फोर जे मीटर एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा जे प्लस टू के रेडियन पर सेकेंड देन इट्स लीनियर वेलोसिटी इज अब ये क्रॉस प्रोडक्ट का हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू गिवन है एंग्लो वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है और लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी है मीटर पर सेकंड में अब लीनियर वेलोसिटी जो है वो आर क्रॉस ओमेगा के इक्वल है अगर वेक्टर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में गिवन हो तो फिर हम उसको सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेट को यूज़ करते हैं और डिटर्मिनेट होता है थ्री क्रॉस थ्री का मतलब थ्री रोज और थ्री कॉलम पहली रो के अंदर हम तीनों यूनिट वैक्टर्स को लिखते हैं आई जे और के दूसरी रो में जो पहला फैक्टर होता है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं वो थ्री फोर हैं और के नहीं है इसका मतलब यहाँ जीरो आएगा और थर्ड रो के अंदर जो सेकंड वेक्टर है बल्कि सॉरी मैंने यहाँ पर गलती की आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता ओमेगा क्रॉस आर होता है तो ओमेगा फर्स्ट वेक्टर है पहले ओमेगा के कोऑर्डिनेट्स आने थे ओमेगा में आई नहीं है तो ज़ीरो जे के साथ वन और K के साथ टू और आर सेकेंड वैक्टर है उसमें आई और जे है तो यहाँ थ्री और यहाँ फोर के नहीं है तो ज़ीरो अब इसे सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया था लास्ट यूनिट टॉर्क में हम क्या करते हैं पहले इसको इस ऑर्डर में लिख देते हैं आई उसके साथ टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेट फिर नेगेटिव जे उसके साथ टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेट और फिर पॉजिटिव के और उसके साथ फिर टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेट ये सॉल्व करके ये फॉर्म बनती है कि आई पॉजिटिव होगा जे नेगेटिव होगा के पॉजिटिव होगा ठीक है तो ये ना सोचें कैसे बेसिकली जब क्रॉस प्रोडक्ट लेके मल्टीप्लाई करते हैं वन बाय वन तो सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट बनती है और इसी को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम सॉल्व करने का रूल बनाते हैं अब ये डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा अब इस मेथड को आपने समझना है जब आप आई को लेंगे तो आई के रो और आई के कॉलम को छोड़ देंगे या आई के रो और आई के कॉलम को छोड़ देंगे तो जो बाकी हमारे पास चार हैं वन टू फोर और जीरो कोऑर्डिनेट्स हम यहां पर टू क्रॉस टू में लिख देंगे वन टू फोर एंड जीरो सेम चीज अब रिपीट करें अब जे की बारी है जब जे की बारी आएगी तो अब क्या करेंगे अब जे के कॉलम और जे की रो को छोड़ देंगे जो बाकी चार कोऑर्डिनेट्स हैं उनको जे के साथ लिख देंगे और वो क्या है जीरो टू थ्री और जीरो अब थर्ड किसकी बारी है अब बारी है के की अब के की जब बारी है तो आपने क्या करना है अब के के कॉलम और के की रो को छोड़ देना है तो बाकी जा चार कोऑर्डिनेट्स उसको यहां लिख दें जीरो टू और यहां थ्री और फोर अब टू क्रॉस टू को सॉल्व करना आपको आता है इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके सेप्ट्रैक्ट किया जाता है तो वन इंटू जीरो जीरो फोर इंटू टू एट मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट और साथ क्या आ गया आई नेक्स्ट अब जे की बारी है जीरो इंटू जीरो जीरो थ्री इंटू टू सिक्स तो माइनस सिक्स साथ जे आ गया अब के फोर इंटू जीरो जीरो थ्री इंटू टू सिक्स और ये के आ गया तो ये आ गया माइनस एट आई और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस सिक्स जे और यह हो जाएगा माइनस के ये हमारा आंसर है मीटर पर सेकेंड में अब ऑप्शन जो है उनमें देखें कि कोई ऑप्शन इस फॉर्म में लिखी हुई है नहीं इसमें नेगेटिव कॉमन ले लें जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो एट आई पॉजिटिव हो जाएगा सिक्स जे नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव सिक्स के भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो अब ये हमें फॉर्म नजर आ रही है एट आई माइनस सिक्स जे इसमें कोई गलती हमारे एंड पर है ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें देखते हैं हमने गलती कहाँ की है ज़ीरो वन टू फोर ज़ीरो के में गलती है के को देख लेते हैं जी गलती हमें पता चल गई ये गलती यहाँ पर हमने की है यहाँ पर हमारे पास जब के को लेंगे तो ज़ीरो वन थ्री फोर था जब ज़ीरो वन थ्री फोर होगा तो यहाँ पर सिक्स नहीं आएगा हो गया तो आंसर में पता चल गया कि आंसर क्या है यहां पर हमारे पास क्या आएगा वन इंटू थ्री थ्री यहां थ्री आना था तो ये आंसर हमारे पास है माइनस कॉमन है एट आई माइनस सिक्स थ्री के ऑप्शन क्या है अल्फा चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द एंगुलर मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम टू यूनिट्स टू सिक्स इन फोर सेकेंड द टॉर्क इज एंगुलर मोमेंटम हमारा चेंज हो रहा है कितना टू यूनिट्स टू सिक्स यूनिट कितने टाइम में फोर सेकेंड टॉर्क कैलकुलेट करना है टॉर्क का रिलेशन हमने पढ़ा था यूनिट नंबर टू में टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है चेंज का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल तो सिक्स माइनस टू टाइम कितना है फोर फोर डिवाइड बाय फोर वन यूनिट हमारा आंसर होगा तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू आर्टिफिशियल सेटलाइट्स ऑफ अनईक्वल मैसेज आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड दे टाइम पीरियड विल बी दो हमारे पास आर्टिफिशियल सेटलाइट्स हैं उनके अन एकवल मैसेज हैं सेटलाइट्स अन एकक्वल मैसेज रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में और उनकी स्पीड सेम है कॉन्स्टेंट है तो टाइम पीरियड के बारे में पूछा है क्या डिफरेंट होगा सेम होगा मैथ पर डिपेंड करता है या नहीं करता अब पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि इसमें फार्मूला यूज़ कौन सा होगा फार्मूला यूज़ होगा वी इज़ इक्वल टू आर मेगा और मेगा की जगह पर आएगा टू पाए ओवर टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड बन जाएगा टू पाए आर ओवर वी तो इस रिलेशन को अगर आप लोग देखें तो टाइम पीरियड डिपेंड करेगा उनके रेडियस पे जो ऑर्बिटल रेडियस है उनकी स्पीड तो स्पीड तो यहाँ पर हमारे पास उसने क्या कहा है सेम सर्कुलर ऑर्बिट क्या है वो भी सेम है मैसेज डिफरेंट है और मैथ्स पे तो डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ्स और हमारी जो ऑप्शन हैं उसमें अब देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है एल्फ़ा हमें कहता है विल बी डिफरेंट डिफरेंट होगा नहीं क्योंकि अगर विलॉसटी स्पीड और रेडियस सेम है तो सेम होगा चार्ली कहता same, है विल बी सेम ये करेक्ट है बीटा कहता है विल डिपेंड ऑन दर मैसेज इनकोरेक्ट है प्लेस ऑफ द प्रोजेक्शन ये भी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली चार्ली विल बी सेम क्योंकि वो मैथ पर डिपेंड नहीं करता और मैथ ही यहाँ पर डिफरेंट था क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन थर्टी वन है द मर्ड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ फास्ट मूविंग कार इन द डायरेक्शन की बुक में शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो टायर के साथ मर्ड अटैच होता है वो किस डायरेक्शन में फ्लाई करता है अलॉन्ग देंजन जो बॉडी सर्कल में रोटेट करती है उसकी विलॉसिटी की डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट है और ये प्रैक्टिकली हम देखते भी हैं कि जो मर्ड गार्ड्स यूज होते हैं टायर्स के साथ उनका पर्पज यही होता है कि जो मर्ड है वो फ्लाई करके उन मड गार्ड को साथ अटैच हो ना कि पीछे अगर कोई आने वाला है तो उसके ऊपर गिरे तो अलॉन्ग द टेंजेंट मूव करेगा थर्टी टू क्वेश्चन इन सर्कुलर मोशन द फैक्टर दैट रिमेन कॉन्स्टेंट इज सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा फैक्टर कॉन्स्टेंट है देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है ये ऊपर हम बात कर चुके हैं तो वन बाय वन इन ऑप्शंस को देखते हैं लीडर वेलोसिटी गलत है क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है वेलोसिटी खुद कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है एक्सलेशन इसकी भी मैग्नीच्यूड कॉन्स्टेंट होती है चार्ली सेंटिविटर फोर्स इसकी भी मैगनीच्यूड कॉन्सटेंट होती है क्योंकि तीनों वैक्टर हैं तीनों की डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पर तो जो जो स्केलर है वो स्पीड या कानेटिक एनर्जी वो कॉन्स्टेंट होगा तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डेल्टा 33 थ्री अ फ्लाई व्हील गेंज़ अ स्पीड ऑफ फाइव फोर्टी रेवोल्यूशन पर मिनट इन सिक्स सेकेंड्स इट्स एंगुलर एक्सेशन इज एक फ्लाई व्हील है जो स्पीड गेन कर लेता है मतलब स्पीड चेंज हो रही है और 540 फोर्टी रेवोलूशन पर मिनट हुई है सिक्स सेकेंडस में एंगुलर एक्सेशन को हमने कैलकुलेट करना है एल्फ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अब एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आर पी एम में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा यह है 540 फोर्टी तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको टू पाई से डिवाइड हम कर देंगे सिक्सटी से और टाइम कितना है हमारे पास दैट इज सिक्स अब सॉल्व करते हैं इसको ये ज़ीरो कैंसिल आउट होगा ये सिक्स सिक्स से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई लेकिन ये सिक्स इससे कैंसिल होता है सिक्स इंटू नाइन फिफ्टी फोर तो नाइन इंटू टू एटीन एटीन डिवाइड बाई सिक्स थ्री तो आंसर क्या होगा थ्री पाए और यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर तो करेक्ट ऑप्शन इज एल्फा थर्टी फोर्थ क्वेश्चन वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ मीटर इज टाइड टू अ बॉडी ऑफ मैस पॉइंट फाइव किलोग्राम इट इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एज शोन इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी इज फोर रेडियन पर सेकेंड वट इज द टेंशन इन अ स्ट्रिंग अ बॉडी इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ए अब स्टेटमेंट को देखें स्टेटमेंट में पहला पॉइंट उसने ये कहा कि लेंथ है स्ट्रिंग की वन मीटर मैस अटैच है पॉइंट फाइव किलोग्राम वर्टिकल सर्कल का केस है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है फोर रेडियन पर सेकेंड है क्या फाइंड करनी है हमने टेंशन और किस पॉइंट पे टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन की वैल्यू टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमारे पास टेंशन भी डाउनवर्ड है वेट भी डाउनवर्ड है तो हम जब इक्वेशन लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि टेंशन और वेट का सम सेंटीपीटल फोर्स के इक्वल है तो टेंशन किसके इक्वल होगी वो सेंटिप्यूटल फोर्स और वेट के डिफरेंस के इक्वल होगी अब डेटा के अकॉर्डिंग सेंटिप्यूटल फोर्स का फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर एम कॉमन ले लें जब एम कॉमन लेंगे तो यह आएगा ओमेगा स्क्वायर आर माइनस जी अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है हमने मैथ हमें कितना गिवन है दैट इज पॉइंट फाइव मीन्स इसको वन बाई टू लिख दें ओमेगा हमें गिवन है फोर रेडियन पर सेकेंड तो यहां फोर का स्केयर आएगा रेडियस जो लेंथ है वन और जी टेन फोर स्केयर सिक्सटीन माइनस टेन सिक्स सिक्स डिवाइड बाई टू आंसर इज थ्री न्यूटन तो करेक्ट ऑप्शन इज एल्फा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड बाय कीपिंग इट्स सेल्फ एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ गिवन प्लेन इट्स मोशन इज अब स्टेटमेंट को आप देखें तो कहते हैं एक पार्टिकल मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से बाय कीपिंग इट्सल्फ एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट और उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से सेम रहता है तो ये कौन सी मोशन है ये हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि स्पीड कॉन्स्टेंट है तो यहाँ से पता चला कि यूनिफॉर्म मोशन है फिर डिस्टेंस अगर कॉन्स्टेंट रह रहा है तो ये सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और अगर वो यहां पर यह कहता है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है लेकिन डिस्टेंस सेम रह रहा है तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द रिलेशन ए इज इक्वल टू आर एल्फा और फैक्सीन होल्ड थर्टी सिक्स क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट में कहता है कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है और ए आर एल्फा के इक्वल है तो ए यहां पर क्या है हमारे पास जो ए है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलेशन क्योंकि ये फार्मूला हमारा जो यूज होता है ये ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा तो इसमें ए रिप्रेजेंट किसे कर रहा है टेंजेंशियल एक्सेलेशन को और दूसरी बात यहां पर ये याद रखें कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलेशन ओवरऑल जीरो होगा तो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली चार्ली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन अट्टन ऑफ मैथ टू फिफ्टी ग्राम इस एंड ऑफ अट्रिंग ऑफ लेंथ वन मीटर इट इज़ वर्ल्ड इन अ हॉर्जोंटल सर्कल विद फ्रिक्वेंसी ऑफ थर्टी रेवोल्यूशन पर मिनट वट इज़ द टेंशन इन अस्टरिंग एक स्टोन जिसका मैथ गिवन है टू फिफ्टी ग्राम उसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है जिसकी लेंथ वन मीटर है इसे हॉर्जोंटल सर्कल में रोटेट करवा रहे हैं और फ्रिक्वेंसी थ्री जीरो रेवोल्यूशन पर मिनट है टेंशन की वैल्यू क्या होगी हॉरिजोंटल सर्कल के केस में हर पॉइंट के ऊपर जो टेंशन होती है वो सेंटिपिटल फोर्स के इक्वल होती है तो हमारे पास यहाँ टेंशन सेंटिपिटल फोर्स के इक्वल है जिसका फार्मूला इस्टेटा के अकॉर्डिंग एम ओमेगा स्क्वायर आर यूज़ करेंगे तो मैथ 250 ग्राम थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे किलोग्राम के लिए ओमेगा थर्टी रेवोल्यूशन टू पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पर मिनट है सिक्सटी से डिवाइड और होल स्क्वायर और जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो रेडियस है एंड दैट इज वन तो टू फिफ्टी ओवर थाउजेंड टू फिफ्टी इंटू फोर थाउजेंड होता है तो ये वन ओवर फोर आ जाएगा थर्टी इंटू टू सिक्सटी ये कैंसिल हो जाएगा तो ये पाए स्क्वायर तो आंसर क्या है पाए स्क्वायर डिवाइड बाय फोर और यूनिट न्यूटन तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर क्या है एल्फा थर्टी एट अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड हैज़ पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में और स्पीड कॉन्स्टेंट है मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है एल्फा कहते हैं उसकी विलासिटी कॉन्स्टेंट होगी इनकोरेक्ट विलोसिटी की मैग्नीच्यूड सिर्फ कॉन्स्टेंट होती है बीटा कॉन्स्टेंट एक्सलेशन इनकोरेक्ट सिर्फ एक्सलेशन की मैग्नीच्यूड कॉन्स्टेंट होती है तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली कॉन्स्टेंट कानीटिक इनर्जी जो स्केलर क्वानिटी होगी वो कॉन्सटेंट रहेगी और कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट वह भी गलत है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रही है थर्टी नाइन क्वेश्चन अ पॉइंट रिम ऑफ अ व्हील फोर मीटर इन डायमीटर हैज़ अ सिक्सटीन हंड्रेड सेंटीमीटर पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज एक व्हील के रिम के ऊपर जिसका व्हील का रेडियस फोर सॉरी डायमीटर फोर मीटर है उसकी वेलोसिटी है सिक्सटीन हंड्रेड सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल होता है वी बाय आर के और वी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है सिक्सटीन हंड्रेड ये यूनिट क्या है सेंटीमीटर तो डिवाइड कैसे कर देंगे हंड्रेड से और जो डायमीटर है फोर तो रेडियस कितना होगा फोर डिवाइड बाय टू ये कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया तो सिक्सटीन ओवर टू एट रेडियन पर सेकेंड आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा क्वेश्चन नंबर 14। अ स्टोन ऑफ मैस एम टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज रोटेटेड इन अ सर्कल विद द अदर एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एट द सेंटर द स्पीड ऑफ द स्टोन इज वी इफ़ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन विल मूव जैसे ऊपर एक क्वेश्चन में हमने मर्ट की बात की थी कि मर्ट किस डायरेक्शन में फ्लाई करता है इसी तरह इस क्वेश्चन में कहता है एक स्टोन जिसका मैस एम है उसको एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ एल के साथ अटैच किया हुआ और है और दूसरा एंड स्ट्रिंग का सेंटर है स्पीड भी है अगर स्ट्रिंग टूट जाती है तो स्टोन किस डायरेक्शन में मूव करेगा आंसर होगा अलॉन्ग द टेंजेंट जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है तो बीटा आंसर होगा इसका 41 क्वेश्चन टू बॉडीज ऑफ मैस 10 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम मूविंग इन कंसेंट्रिक ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर एंड आर ए कैपिटल आर और एक स्मॉल आर सच दैट देर टाइम पीरियड आर सेम द रेशो बिटवीन देयर सेंटिबिटल एक्सेलेशन इज मैथ्स गिवन है टेन किलोग्राम और फाइव किलोग्राम उनका रेडियस है कैपिटल आर और स्मॉल आर टाइम पीरियड उनका सेम है तो रेशो फाइंड करनी है हमने सेंटिबिटल एक्सेलेशन की अब सेंटिबिटल एक्सेशन का जो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो होगा उमेगा स्क्र आर और मेगा को रिप्लेस हम कर देंगे टू पाई ओवर टी से तो मैथ का तो यहाँ कोई रोल नहीं है एक्सेलेशन मैथ पर डिपेंड यहाँ पर नहीं कर रही तो जिस फैक्टर के ऊपर एक्सेलेशन यहाँ पर डिपेंड कर रही है वो सिर्फ क्या है रेडियस क्योंकि टाइम पीरियड भी सेम है तो हम जब रेशो लिखेंगे ए वन ओवर ए टू तो वो इक्वल होगी आर वन ओवर आर टू तो आर वन कैपिटल आर है आर टू स्मॉल आर है तो कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर हमारा आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है अल्फा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज रिड्यूस्ड टू वन फोर्थ दिन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन देखिए अर्थ की रोटेशन जो अराउंड द सन है वो ऑर्बिटल है तो ये ऑर्बिटल का केस है इसमें हमारे पास जो जियो ऑर्बिट का रिलेशन है आर और टी का वो यूज होगा और डिस्टेंस ये रिड्यूस होकर वन फोर्थ हो गया हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं वन ईयर में टाइम पीरियड न्यू कितना हो जाएगा क्या रिलेशन होता है टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू आर पावर थ्री बाई टू अब यहां पर हम इसको रेशो की फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं टी डैश जो न्यू टाइम पीरियड है टी ओवर एक्चुअल टाइम पीरियड आर डैश ओवर आर होल पावर थ्री बाय टू अब पहले टाइम पीरियड हमारा टी सॉरी बाद वाला टी डैश पहले है थ्री सिक्सटी फाइव डेज रेडियस कितना हो गया वन फोर्थ आर डैश की जगह हम लिख देंगे आर बाय फोर और पहले रेडियस आर था पावर थ्री बाई टू आर आर से कैंसिल हो जाएगा ये आ जाएगा वन ओवर फोर और पावर है थ्री बाय टू अब ये जो पावर थ्री बाई टू है इसको सॉल्व करने का मेथड मैंने बताया था कि इसको ब्रेक कर दें थ्री बाई टू को दो पार्ट्स में ब्रेक करें अब दो पार्ट्स में इसके ब्रेक करना होता है जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग पहले मैं इसकी पावर लूंगा वन बाय टू मीन्स स्केयर रूट और फिर मैं लूंगा क्यूब तो बात वही है थ्री बाई टू है तो फोर का जो स्केयर रूट है वो क्या है टू और टू का क्यूब क्या है एट तो ये वन बाय एट आ गया अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टी डैश इक्वल होगा थ्री सिक्सटी फाइव डिवाइड बाय एट अब थ्री सिक्सटी फाइव को आपने एट से डिवाइड करना है एट इंटू फोर हमारे पास होता है थर्टी टू एट इंटू फोर थर्टी टू रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा फोर्टी फाइव तो फोर्टी फाइव हमारे पास है तो यहां पर अब मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे एट इंटू फाइव फोर्टी होता है तो यहां पर फाइव आ गया अब देख लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली फोर्टी फाइव के सबसे क्लोज क्या है चार्ली क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री द एंगुलर स्पीड For flywheel makes 120 revolutions per minute is angular speed हमने find करनी है flywheel की जिसके omega की value 120 revolution per minute है simple question है हमने revolution per minute को convert करना है radian per second में तो क्या करेंगे ओमेगा जो given है 120 rpm रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे किस से टू पाए से और मिनट कन्वर्ट करने के लिए सिक्सटी से डिवाइड तो सिक्सटी इंटू टू वन ट्वेंटी तो टू इंटू टू फोर पाए और यूनिट रेडियन पर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड देन फिर वही क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है और कॉन्स्टेंट स्पीड है अल्फा वेलोसिटी एंड एक्सलेसन आर परपेंडिकुलर टू इच अदर अब क्वेश्चन में ऑप्शन में डिफरेंस है कि वेलोसिटी और एक्सलेशन दोनों परपेंडिकुलर होती हैं अब ये बात ठीक है क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास अगर लेट से मैं लीनियर भी लेता हूँ तो वो अलॉन्ग टेंजेंट है और जो एक्सलेशन है अगर उसको लीनियर लेते हैं तो वो अलॉन्ग रेडियस है बीटा कहता है विलासटी एंड एक्सलेशन आर पैरल इनकोरेक्ट है कभी ये पैरल नहीं होते हाँ एंगुलर अगर विलासटी और एंगुलर एक्सलेशन हो तो वो पैरल हो सकते हैं अगर एंगुलर विलासटी इंक्रीज कर रही है चार्ली कहता है विलासटी एंड एक्सलेशन आर एंटी पैरल सर्कुलर मोशन में कभी एंटी पैरल नहीं होंगे हमेशा परपेंडिकुलर होंगे तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि लीनियर विलासिटी की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी और ये एंगुलर के केसेस के लिए लेक्चर को देखिएगा तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कब एंगुलर विलासिटी और एंगुलर एक्सलेशन पैरल होते हैं और कब ये एंटी पैरल होते हैं फोर्टी फाइव पर्वेंट द मैस ऑफ अर्थ इज सिक्स टन रेज टू पार ट्वेंटी फोर किलोग्राम रिवॉल्व अराउंडर माइनस सेवन रेडियन पर सेकेंड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस टू पार एट किलोमीटर द फोर्स एग्जर्टेड बाय द सन इज अब सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो कितनी फोर्स सन एग्जर्ट करता है अर्थ के ऊपर अर्थ पे जो फोर्स एग्जर्ट होगी बाय द सन वो इक्वल होगी सेंटिपिटल फोर्स के तो हमारे पास सेंटिपिटल फोर्स का जो फार्मूला है अगर हम डाटा को देखें तो डाटा में एंगुलर वेलोसिटी हमें गिवन है मैस गिवन है और उसके अलावा रेडियस गिवन है तो यूज होगा फार्मूला एम ओमेगा स्क्वायर आर अर्थ मैस ना भी गिवन हो तो सिक्स टेन रेस्टू पार ट्वेंटी फोर किलोग्राम ओमेगा हमें गिवन है टू टेन रेज टू पार माइनस सेवन होल स्केयर यूनिट रेडियन पर सेकेंड है और जो रेडियस है वो किलोमीटर में है तो किलो टेन रेज टू पार थ्री तो ये हो जाएगा वन पॉइंट फाइव टेन टू पार 11 अब मल्टीप्लाई करना तो सिक्स टू का स्क्यर फोर इंटू वन पॉइंट फाइव पावर में सेपरेट लिख रहा हूँ ये ट्वेंटी फोर और ये माइनस फोर्टीन यह आ जाएगा हमारे पास टेन टेन प्लस इलेवन ट्वेंटी वन अब मल्टीप्लाई इनको आप करें अब देखें जिस तरह से आपको इजी लगता है उसको मल्टीप्लाई कर लें पहले फोर को वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर लें फिफ्टीन इंटू फोर क्या होता है सिक्सटी तो फोर इंटू वन पॉइंट फाइव सिक्स तो सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स इंटू टेन टू पार्ट ट्वेंटी वन और यूनिट क्या होगा न्यूटन तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है चार्ली फोर्टी सिक्स क्वेश्चन वन जियो स्टेशन सेटेलाइट कवर्स देखें हम अगर मिनिमम कंडीशन की बात करें तो तीन सेटेलाइट होती हैं जो मिनिमम हमारे पास अर्थ के अराउंड ग्लोबल कवरेज के लिए होती हैं और ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर की तरह हमारे पास होगा और कितना एंगल इनमें होगा नज़र आ रहा है आपको डायग्राम से 120 डिग्री अब अगली बात ये आ जाती है कि क्या ये 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा या लेटीच्यूड होगा तो यहां पर जो राइट right आंसर हमारे पास होगा वो क्या होगा लॉन्गिश्यूट क्योंकि इक्वेटर के अलोंग हमारे पास ये जियो स्टेशन सेटेलाइट रिवॉल्व कर रही होती हैं तो 46 का आंसर क्या है चार्ली 47 क्वेश्चन अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन एज शोन द रेशियो ऑफ एंगुलर एक्सेलेशन ऑफ पॉइंट ए टू दैट ऑफ पॉइंट बी देखिए हमारे पास रिजिड बॉडी है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी उसकी एंगुलर एक्सेशन की रेशो फाइंड करनी है ये पॉइंट हम ऊपर बता भी चुके हैं और वैसे भी लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि रिजिड बॉडी में अगर किसी एक्सिस के अराउंड रोटेशन हो तो उसके हर पॉइंट के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी और हर पॉइंट की जो एंगुलर एक्सीशन होती है वो इक्वल होती है चाहे उन पॉइंट्स का डिस्टेंस सेंटर से कम हो या एक्सिस ऑफ रोटेशन से कम हो या ज़्यादा हो तो इसके अकॉर्डिंग जब हम अल्फा की रेशो लेंगे अल्फा ए ओवर अल्फा बी तो दोनों का अल्फा सेम होगा तो आंसर आएगा वन रेशो वन तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन का आंसर क्या होगा अल्फा क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इफ द अर्थ इज एट वन फोर्थ ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्राम सन द डेशन ऑफ ईयर विल बी फोर्टी एट क्वेश्चन हम ऊपर कट चुके हैं अब हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि अगर अर्थ जो है वो कितने डिस्टेंस पर हो सन से वन फोर्थ तो जो डेशन ऑफ ईयर होगा वह कितना होगा ये क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें कौन सा था तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था फोर्टी टू कि जो हमारा जो डिस्टेंस अगर वन फोर्थ हो तो डिस्टेंस के वन फोर्थ होने से जो टाइम है वो वन बाई एट हो रहा था तो दोबारा अगर करना चाहें इसको दोबारा भी कर सकते हैं मैं फिलहाल सिर्फ रिलेशन को लिखूंगा और वो रिलेशन ये था कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आर पावर थ्री बाई टू तो यहाँ पर अगर आप रेडियस को आर बाय फोर पुट करेंगे तो आर बाय फोर की वैल्यू जब पुट करेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू टी बाय एट आएंगी जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था सेम वही है तो क्या आंसर होगा वन एट्थ ऑफ द ट इन क्वेश्चन व्हील रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिसकुलर टू द प्लेन विंगुलर इंक्रीजिंग एंगुलर स्पीड दस इट हैज अब क्वेश्चन है कि एक व्हील रोटेट कर रहा है एक्सिस के अबाउट जो पास कर रहा है उसके सेंटर से और परपेंडिकुलर है प्लेन के और उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो इंक्रीज़ कर रही है अब ओमेगा अगर इंक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब एंगुलर एक्सेशन प्रेजेंट होगी और अगर एंगुलर एक्सेशन प्रेजेंट होगी दैट मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलेसन भी प्रेजेंट होगी तो यहाँ क्वेश्चन फोर्टी नाइन में अगर डेल्टा ओमेगा है तो इसकी वजह से एल्फ़ा नॉन ज़ीरो होगा और ए टी इज़ इक्वल टू आर एल्फा के फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर एल्फ़ा नॉन ज़ीरो है तो टेंजेंशियल एक्सेलेशन भी नॉन ज़ीरो है और सेंटिपिटल एक्सलेशन तो हर तरह की सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट होती है इसका मतलब इस केस में हमारे पास जो मोशन सर्कुलर मोशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तीन तरह की एक्सलेशन एग्जिस्ट करती है रेडियल जिसको हम सेंटिबिटल कहते हैं इसके अलावा रोटेशन के अकॉर्डिंग और स्पीड के अकॉर्डिंग टेंजेंशियल एक्सिलेशन और थर्ड हमारे पास जो होती है वो भी ओमेगा के अकॉर्डिंग एंगुलर एक्सेलेशन और तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो अल्फा ऑप्शन रेडियल एक्सेलेशन बीटा टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सलेन चार्ली वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलेशन और डेल्टा वेलोसिटी बट एक्सलेशन हैविंग बोथ कंपोनेंट्स आंसर क्या होगा डेल्टा टेंजेंशियल वेलोसिटी तो है लेकिन एक्सलेशन के दोनों कंपोनेंट्स हैं कौन कौन सा एक टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक रेडियल कंपोनेंट ये दोनों प्रेजेंट होंगे क्वेश्चन नंबर पाई पाई एन एंगल ऑफ का मतलब क्या है टू पाई का मतलब है और जब एस इक्वल होगा टू पाई तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर के फार्मूला में अगर आप ये सबस्टिट्यूट करेंगे तो थीटा टू पाई रेडियन इक्वल आएगा मीन्स थ्री सिक्सटी डिग्री है तो टू पाएर सब्सटैंड एन एंगल कितना टू पाई रेडियन फिफ्टी वन क्वेश्चन पर पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द रोटेशन वुड बी अगर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो इसका मतलब क्या है हमारी रोटेशन क्या है एंटी क्लॉक वाइज क्योंकि अगर तुम्हारे पास रोटेशन एंटी क्लॉक वाइज तब थीटा पॉजिटिव होता है और अगर रोटेशन क्लॉक वाइज तो थीटा नेगेटिव होता है. 52. रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबस्टेंडेड एट अ सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन रेडियन की हमसे डेफिनेशन पूछी हुई है और रेडियन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है अगर हम थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर्क के फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखें वो ये है कि इफ़ आर्क लेंथ या आर्क लेंथ को लेंथ ऑफ आर्क बोलें वो इक्वल है सर्कल के रेडियस के दैन थीटा इज इक्वल टू वन रेडियन तो 52 में फर्स्ट ऑप्शन आर्क हुज लेंथ इज़ पैरेलल इनकोरेक्ट है आर्क हुज लेंथ इज लेस इनकोरेक्ट है आर्क ग्रेटर चार्ली भी इनकोरेक्ट तो एक ही ऑप्शन कोेक्ट है और वो क्या है डेल्टा आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल ये वाली कंडीशन फिफ्टी थर्ड द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलॉसिटी इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलॉसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलेशन आंसर इज डेल्टा 54. The द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेक्स per minute रेवोल्यूशन पर मिनट इस फिफ्टी क्वेश्चन में हमें कहा गया कि एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है फ्लाई व्हील जो 120 ट्वेंटी रेवोल्यूशन पर मिनट से रोटेट कर रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उमेगा 120 rpm है इसको सिंपली कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में तो वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टू पाए रेडियंस and 1 minute equal to 60 second so, 4 pi radian per second answer hoga. correct option is delta 55 the acceleration of a motor car is 8 meter per second square if the diameter of its wheel is 2 meter its angular acceleration is 55% फाइव में डाटा देखें कि हमारे पास एक्सेशन गिवन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायमीटर गिवन है 2 मीटर एंगुलर एक्सेशन क्या होगी अब यहाँ पर डाटा से ये पता चला कि यहाँ जो फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा वो कौन सा होगा एज़ इक्ल टू आर एल्फ़ा और एल्फ़ा यहाँ पर इक्वल होगा ए बाई आर के एक्सलेशन लीनियर गिवन है एट जो ऑब्वियसली यहाँ पर टेंजेंशियल है और जो डायमीटर है वो टू मीटर है तो रेडियस होगा टू बाई टू वन तो एट रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन इज एल्फा 56 सिक्स अ व्हील वन मीटर इन डायमीटर मेक्स 30 रेवोल्यूशन पर मिनट द लीनियर स्पीड ऑफ पॉइंट ऑन इट्स रिम इन मीटर पर सेकेंड इज डायमीटर है वन मीटर यानी रेडियस है पॉइंट फाइव मीटर थर्टी रेवोल्यूशन पर मिनट एंगुलर स्पीड है लीनियर स्पीड हमने उसके रिम की फाइंड करनी है तो v इक्वल टू आर उमेगा यूज होगा डायमीटर वन है तो रेडियस वन बाय टू ओमेगा थर्टी रेवोल्यूशन पर मिनट तो टू पाए मल्टीप्लाय डिवाइड बाय सिक्सटी तो थर्टी इंटू टू सिक्सटी कैंसल हो जाएगा तो पाए बाय टू इसका राइट आंसर होगा और यूनिट मीटर पर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली फोर्टी सेवन क्वेश्चन वेन द रोटेशन इज फिक्स देन एंगुलर वैक्टर्स आर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास फिक्स हो तो हमारे पास जितने भी एंगुलर वेक्टर्स होंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी वो सेम होगी और वो क्या होती है अलॉन्ग एक्सिस ही होती है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर फिक्स है एक है तो तमाम एंगुलर जो होंगी उनकी सेम डायरेक्शन होगी करेक्ट ऑप्शन इज़ अल्फा 58 एट द मर्ड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ फास्ट मूविंग कार इन द डायरेक्शन रिपीट हो रहा है मर्ड जब फ्लाई करेगा किसी टायर से तो किस डायरेक्शन में करेगा जिस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी होती है और वो कहाँ है? टेंजेंट टू द मूविंग टायर फिफ्टी नाइन क्वेश्चन द सेंटिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मैस एम इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एस सेंटिपिटल फोर्स का फार्मूला पूछा हुआ है तो यह फार्मूला देखें एल्फा एम वी करेक्ट है बीटा एम आर ओमेगा स्केयर ये भी करेक्ट है तो दो ऑप्शंस यहाँ करेक्ट हैं एल्फा और बीटा ओके okay, अल्फा और बीटा जी अल्फा बीटा दोनों करेक्ट हैं तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगी डेल्टा बोथ ए एंड सी बी आना चाहिए सी नहीं होगा तो यहाँ गलती है क्वेश्चन में यहाँ सी की जगह बी आएगा तो ये दोनों करेक्ट हैं नॉट एम आर स्केयर ओमेगा एम आर स्क्यू मेगा किसका फार्मूला है ये एंगुलर मोमेंटम का होता है एल इज इक्वल टू आयु मेगा तो ये रिलेशन एंगुलर मोमेंटम का होता है जिसको आयु मेगा लिखा जाता है लास्ट क्वेश्चन है सिक्सटी अ फाइव हंड्रेड किलोग्राम कार ट्रेवल टेक्स अराउंड टेन ऑफ रेडियस फिफ्टी मीटर विदोसिटी थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर सेंटिपिटल फोर्स मैथ की वन है रेडियस के वन है सेंटिपिटल फोर्स फाइंड करनी है फार्मूला सेंटिपिटल फोर्स का एम वी स्केयर ओवर आर मैस 500 किलोग्राम वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आर है तो 36 सिक्स इंटू थाउजेंड मीटर में आ गया पर आर 3600 से डिवाइड करेंगे ताकि सेकंड में कन्वर्ट हो जाए एंड होल डिवाइड बाय रेडियस और रेडियस कितना है दैट इज 50 अब सॉल्व करना है सिंपल सॉल्यूशन है जीरो कैंसल 36 कैंसिल कैंसल 50 इंटू टेन तो 10 इंटू टेन बोल गलती मैंने यहाँ पर कर दी है यहाँ पर ये यह 10 तो आपके पास आ जाएगा लेकिन यहाँ पर स्केयर में लेना भूल गया यहाँ स्केयर भी आएगा तो 10 का स्केयर 100 है तो 100 इंटू टेन 10, आंसर होगा 1000 और जुनेट न्यूटन तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली